हे जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। अब अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। एम लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। यहाँ पर अपन को क्या गिवन है, ये कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज KE 10%। इट हैज़ 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 100 रुपीज़। तो इसका फेस वैल्यू अपन को गिवन है 100 रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 25,000, जो कि ऑलरेडी है, यानी कि ये एग्जिस्टिंग शेयर्स हो गए आपके। आगे देखते हैं, इट एक्सपेक्ट्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,50,000 फॉर द ईयर एंड द बोर्ड इज कंसीडरिंग डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। तो बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD, वो डिविडेंड कितने बांटने वाले हैं, ₹5 पर शेयर। साथ के साथ उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस साल अर्निंग कितना होने वाला है, 2,50,000। तो ये हमें अर्निंग गिवन है और ये अपन को डिविडेंड गिवन है, ठीक। आगे देखो, एम लिमिटेड रिक्वायर्स टू रेस 5 लाख फॉर एन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इनको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए इनको कितना पैसा चाहिए, 5 लाख रुपीज। शो हाउ द MM अप्रोच अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड इफ डिविडेंड्स आर पेड और नॉट पेड। तो दो केस में हमें बताना है वैल्यू ऑफ फर्म। एक केस है हमारा जब डिविडेंड दिए जाएंगे, यानी कि इफ डिविडेंड आर पेड, और दूसरा केस है व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड। तो दो केस में हमें इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, इन्होंने पूछा है हाउ द MM अप्रोच अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड। और ये चीज़ जब मैंने आपको MM अप्रोच पढ़ाया था तब आपको ध्यान दिलाया था कि चाहे हम डिविडेंड दें चाहे हम डिविडेंड ना दें, वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। क्योंकि ये कौन सी थ्योरी थी हमारी, इररेलेवेंस थ्योरी, डिविडेंड इज इररेलेवेंट, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, फटाफट नोट्स में देखकर बताओ कौन से वो 4 स्टेप थे। ये वाले, सबसे पहले इसके 2 केस बनाने थे हमें, एक डिविडेंड आर नॉट पेड और एक डिविडेंड आर पेड। उसके बाद इन केस को हमें 4 स्टेप्स में करना था। पहला हम करते थे प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो कैलकुलेट करते थे, यानी कि P1। उसके बाद हम ये देखते थे कि कितना हमें फंड्स चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा, उस फंड्स को रेस करने के लिए जो शेयर इशू करते थे वो कैलकुलेट करते थे, और एट द एंड जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वैल्यू ऑफ फर्म वो कैलकुलेट करते थे, ठीक। तो इसी तरीके 4 स्टेप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाओ फटाफट कॉपी पर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। पहले केस 1, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड। ये कौन सा केस है, जब हम डिविडेंड नहीं देंगे। तो जब भी डिविडेंड आए वहाँ पर आपको क्या करना है, 0। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, P1। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K। तो देखो क्या क्या गिवन है हमें, P1 तो अपन को कैलकुलेट करना है तो ऐसे ही लिख दिया, D1 गिवन है 5, KE कितना था 10%, और P0 जो पहले प्राइस थी वो थी 100। तो यहाँ से पहले P1 कैलकुलेट करते हैं, 100 × 1.1 ये आ गया 110। सॉरी, डिविडेंड हम नहीं दे रहे, व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड, तो यहाँ पे डिविडेंड 0 आएगा, ठीक। तो P1 कितना आ गया, 110, सही है। सेकंड स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो हमें इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख ही करनी है, लेकिन एक्चुअल में हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है वो अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारी अर्निंग कितनी हुई थी पूरे साल में, 2,50,000। हमने डिविडेंड कितना बांटा, तो यहाँ पर हमने डिविडेंड नहीं बांटा क्योंकि ये कौन सा केस चल रहा है, जब डिविडेंड नहीं पे किए गए हैं। तो पूरा का पूरा पैसा बच गया हमारा 2,50,000। हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 5 लाख रुपीज़, और हमारे पास ऑलरेडी कितना पैसा है, 2,50,000, यानी कि एक्चुअल में फंड्स कितने रिक्वायर्ड हैं। तो हमें चाहिए 5 लाख माइनस 2,50,000, दैट इज़ 2,50,000, ये समझा।
बैलेंस फंड्स रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट करनी है 5 लाख की, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा अवेलेबल है 2,50,000, तो ये आ गया बैलेंस फंड्स रिक्वायर्ड। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, तो हम शेयर्स इशू करेंगे, तो कितने शेयर्स इशू करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 3 में। नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर बैलेंस फंड, तो हमें पैसा कितना चाहिए, 2,50,000, और प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में अभी, तो वो हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया था 110, तो अभी मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है 110। तो हमें कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, पैसा चाहिए 2,50,000 डिवाइड बाय प्राइस 2,272.72, ये पॉइंट्स में आ रहा है, तो चाहो तो आप इसे इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि बाद में सब सेट हो जाएगा आगे वाले फॉर्मूले में, ठीक है ना, तो यहीं पर छोड़ देना इसे। स्टेप नंबर 4, जो क्वेश्चन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी कि वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करो, वो हम यहाँ करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म VF, ये कैसे कैलकुलेट होती थी, एन प्लस चेंज इन एन पी वन प्लस ई माइनस आई अपॉन 1+k, एन का मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे 25,000, चेंज इन एन एक्स्ट्रा कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर्स, तो इन दोनों का डिवीजन, तो ये आ जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 110 इनटू हो जाएगा पी वन से, प्राइस कितना चल रहा है 110, प्लस अर्निंग कितनी हुई थी 2,50,000, माइनस इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी है 5 लाख, डिवाइडेड बाय 1+k यानी कि 0.10, ठीक, इसे सॉल्व करते हैं फटाफट, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 110, ठीक, प्लस 25,000 इंटू 110, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 लैक्स आ गया, तो एक बार इसे अच्छे से लिख देते हैं 30 लैक्स, ठीक। अब इसमें अपन को प्लस करनी है अर्निंग यानी कि 2,50,000 और माइनस करना है इन्वेस्टमेंट 5 लैक, ये आ गया 27,50,000, नीचे है 1+k यानी कि 1.10, ये आ गया 25 लैक, तो कितना आ गया वैल्यू ऑफ फर्म 25 लैक, ठीक। अब मुझे कोई ये बताओ, ये केस तो था हमारा केस नंबर 1 जिसमें हमने वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करी है जब डिविडेंड नहीं दिए गए हैं, केस नंबर 2 में हम वैल्यू ऑफ फर्म ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उस केस में क्या होगा जब डिविडेंड पे किए गए हैं, मुझे ये बताओ कि वहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आएगी। मैम अभी कैसे बताएं, अभी तो हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो वहाँ पर आपको पता था कि वैल्यू ऑफ फर्म सेम ही रहेगी, तो वैल्यू ऑफ फर्म सेकंड केस में भी कितना आएगा 25 लाख, क्योंकि MM अप्रोच बोलते थे कि ये एक इररेलेवेंस थ्योरी है, डिविडेंड दो या मत दो सेम बात है, ठीक, तो यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम रहेगी, ये समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो चलो केस नंबर 2 करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर पेड, अब यहाँ पर डिविडेंड हमें बांटना है, ध्यान रखना, ठीक, वही 4 स्टेप अपने, पहला स्टेप कैलकुलेट द प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि P1 कैलकुलेट कर रहे हैं, P1 कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला, P0 = P1+D1/1+K, फास्ट तो नहीं जा रहा ना, देखो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2 से 3 बार, इसलिए मैं इसे फास्ट कर रही हूँ, तो अगर आपको इसमें फास्ट लग रहा हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर थोड़ा स्लो है, ठीक है, बहुत स्लो ही रहेगा क्योंकि वो पहली बार कराया था। P1 अपन को कैलकुलेट करना है तो एज इट इज़ लिख देना है, D1 हम डिविडेंड कितना बांट रहे थे, तो डिविडेंड अब 5 रुपीज़ पर शेयर, KE कितना था 0.10, P0 था 100, ठीक, तो आगे नहीं इधर जाएगा तो 110 = P1+5, तो ये इधर चला जाएगा, तो 110 में से 5 का यानी कि 105, तो 105 आ गया हमारा P1। सेकंड स्टेप नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कितना पैसा है, तो हमारी अर्निंग हुई थी 2,50,000, उसमें से हमने डिविडेंड बांट दिया, डिविडेंड कितना बांटा था, नंबर ऑफ शेयर्स थे 25,000 और हर शेयर पर हमने 5 रुपये डिविडेंड बांटा है, यानी कि 25 से 125,
ये आ गया 125,000। ठीक, तो बचा कितना 125,000, 1,25,000। ठीक, हमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है 5 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें करनी है 5 लाख बी, और हमारे पास ए में क्या है फंड अवेलेबल, हमारे पास पैसा कितना है 1,25,000। तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 5 लाख की, हमारे पास पैसा है 1,25,000, यानी कि हमें अभी और कितना चाहिए, ये क्या हो गया 5 लाख में से 125, ये आ गया 375, यानी कि अभी हमें और पैसा कितना चाहिए 375,000। 125 तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमने कमाया है, अभी हमें और कितना चाहिए, तो चाहिए 375। तो ये पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, सिंपल थी बात, फंड्स रेज करके। फंड्स कैसे रेज करेंगे, शेयर्स को इश्यू करके। तो आओ जानते हैं स्टेप नंबर 3 में कि हमें कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करने हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर बैलेंस फंड। तो बैलेंस फंड हमें कितना है 375,000, ये पैसे की हमें ज़रूरत है। और इसे किस प्राइस पर इशू करेंगे, तो अभी क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है 105। ठीक, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, अगेन ये पॉइंट्स में आएगा इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, स्टेप नंबर 4, यहाँ पर फाइनली हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म बी एफ, एन प्लस चेंज इन एन पी एन पी वन प्लस ई माइनस आई अपॉन 1+k। एन एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 25,000, और हमें कितने चाहिए एक्स्ट्रा शेयर, तो इन दोनों को जो डिवाइड करेंगे वो आएगा, यानी कि 375,000 डिवाइडेड बाय 105, ये हो जाएंगे हमारे जो हमने न्यू शेयर्स इशू करे हैं। इन दोनों को ही P1 से इंटू कर देंगे, यानी कि जो मार्केट प्राइस है 105, प्लस अर्निंग कितनी हुई थी हमारी 2,50,000, इन्वेस्टमेंट कितनी थी 5 लाख, डिवाइड बाय 1+k। फटाफट सॉल्व करते हैं, 375,000 डिवाइडेड बाय 105, कहा था ना मैंने पॉइंट्स में आएगा इसलिए ऐसे ही छोड़ दो। अब इसमें प्लस करना है 25,000 शेयर्स इनटू कर देंगे 105 से, तो ये अगेन आ गया हमारा 29,999, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया 30 लाख। तो इतना इतना हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 30 लाख। इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, इसमें प्लस करेंगे जो हमारी अर्निंग हुई थी 2,50,000, और माइनस करेंगे जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है दैट इज़ 5 लाख। ये आ गया 27,50,000, डिवाइड करेंगे 1+k दैट इज़ 1.1, ये आ गया 25 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई 25 लाख, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वैल्यू ऑफ फर्म सेम आएगी चाहे केस 1 हो या फिर केस 2। देखो आई नो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा कराया है और आपको भी दोबारा करना है, क्योंकि इसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक, आपका मन नहीं लगता होगा इसलिए मैंने क्या किया है वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, क्योंकि हो सकता है आप अकेले ना करें, अकेले अकेले प्रैक्टिस करें, तो कम से कम आपको लेक्चर देखने हैं तो आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आपको करना ही करना, ठीक है ना। तो एक बार देख लो कहीं कुछ रह गया हो तो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है ना।